الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. पिछले दो तीन जुमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बातें आप हजरात के सामने आई। मैंने पिछले जुमा यह बतलाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान दुनिया के लोगों पर बहुत ज़्यादा है। उनमें से तीन बड़े एहसान का जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया था। एक एहसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के लोगों पर यह है कि आपने दुनिया के तमाम लोगों को तौहीद का यानी एक अल्लाह को मानने का सबक सिखाया। दूसरा मैंने बतलाया था कि वहदत इंसानियत यानी दुनिया में जितने लोग हैं सब माँ बाप एक माँ बाप की औलाद है और इंसान होने के हिसाब से कोई किसी से अच्छा नहीं। अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा तक्वा परहेजगारी और इबादत की बुनियाद पर। तीसरी बात मैंने ये बतलाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की कीमत इंसानियत का एहतराम लोगों को सिखलाया यानी दुनिया में सबसे दामी और सबसे कीमती अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। इंसान की खामखा बेहुर्मती करना बेइज्जती करना उनको तकलीफ पहुंचाना उनको कत्ल कर देना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म शुमार किया जाएगा। तीन बातें मैंने बताई। चौथी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों को जो तालीम दी और जो सिखलाया आपने जो एहसान किया वो ये है कि इंसानों पर छाई हुई मायूसी की कैफियत को दूर किया यानी इस्लाम के आने से पहले लोग निराश हो चुके थे नाउम्मीद हो गए थे। खुद हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त भी और आज तक हमारे हिंदू भाइयों के अंदर एक अकीदा और विश्वास पाया जाता है जिसको उर्दू में अरबी में तनासुफ और वैसे हिंदी वगैरह में आवागवन बोलते हैं। आवागवन ये गैर मुस्लिमों के यहाँ खुसूसन हिंदुओं के यहाँ एक अकीदा है जिसका मतलब है कि इस जन्म में जो कुछ तुमने किया इसका फल और इसका नतीजा बाद वाले जन्म में यानी दोबारा जब तुमको पैदा किया जाएगा तो इस जन्म के कर्म के मुताबिक काम के मुताबिक पैदा किया जाएगा। यानी अगर लोग अच्छा काम करें
तो दूसरा जन्म जब होगा तो अच्छी शक्ल में होगा, और अगर कोई बुरा काम करके मरता है तो दूसरा जो जन्म होगा कुत्ते की शक्ल में, बिल्ली की शक्ल में, कीड़े मकोड़े की शक्ल में, इसकी कोई हैसियत नहीं। गोया के अगर इस जन्म में किसी ने गलती की, किसी से कोई भूल चूक और कोई जुर्म हो गया, तो अब वो नाउम्मीद हो जाता था और वो ये समझ लेता था कि अगले जन्म में मैं इंसान बन के पैदा नहीं हो सकता, बल्कि मुझको कुत्ता बना दिया जाएगा, बिल्ली बना दिया जाएगा, सांप बंदर बना दिया जाएगा। इसी तरीके से ईसाइयों के यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ ये अकीदा था और है कि सारे के सारे लोग, सारा का सारा इंसान जो पैदा होता है, जन्म लेता है, ये गुनहगार बनके, पापी बनके जन्म लेता है, और सबके गुनाहों का कफारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदा करेंगे। गोया के लोग नाउम्मीद, निराश कि हम भी कोई अच्छे इंसान हैं, नहीं, बल्कि तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, तुम पापी हो, और तुम्हारे पाप का कफारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदा करेंगे। इस्लाम आया, इस्लाम ने आकर लोगों को यह बतलाया कि देखो, अगर तुमसे गलती हो जाती है और उस गलती के बाद तुम तौबा कर लेते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे बड़े बड़े जुर्म को, बड़े बड़े गुनाह को माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि उस गलती और उस पाप का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से, यानी अगर खुदा न खास्ता किसी ने जवान होने के बाद नमाज नहीं पढ़ी, साल दो साल तक नमाज नहीं पढ़ सका, इसी तरीके से रोजा नहीं रख सका, जकात नहीं दे सका, या और भी कोई ऐसा गलत काम उससे होता रहा, बाद में अगर वो तौबा कर ले और अल्लाह का हक अदा करने लगे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर देगा। यहां तक के अगर किसी ने शिर्क किया, कुफ्र किया, और वो हमेशा बुतों की इबादत करता रहा, बुतों की पूजा करता रहा, या जैसे कल दिवाली गई, हमारे बहुत से मुसलमान आप लोगों के फेसबुक में, व्हाट्सएप में, या और भी जो सोशल मीडिया का ये है, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े मुसलमान हैप्पी दिवाली, दिवाली की मुबारकबादी, दुर्गा पूजा की मुबारकबादी, ये सब गुनाह का काम है, ये गुनाह का काम है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने ऐसा कर लिया और बाद में वो तौबा कर दे, हदीस में आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की औलाद यानी सारे के सारे इंसान ये पापी है, यानी इनसे पाप का काम हो जाता है, गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन सबसे अच्छा पाप करने वाला वो इंसान है, सबसे अच्छा गुनाह करने वाला वो इंसान है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर दे, तौबा कर दे। जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला को खुशी होती है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। कितना माफ करता है? अभी कल तो जुमेरात, परसों मैंने मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत मेरे सामने से गुजरी, मैंने बच्चों को पढ़ाया कि एक शख्स था, वो था तो ईमान वाला मुसलमान था, लेकिन पहले नबी के जमाने का वाकया, नबी के ऊपर, अल्लाह के ऊपर उसका ईमान था, मगर जिंदगी में कभी भी उसने कोई नेकी का काम नहीं किया था, गुनाह का ही काम करते रहता था, पाप में वो डूबा हुआ था। जब मौत का वक्त करीब आया, बड़ा मालदार आदमी था, उसने अपने बच्चों को बुलाया, अपनी औलाद को जमा किया और कहा, देखो अगर तुम लोग मेरी एक बात मानो, तो मेरे सारे माल का, दौलत का, प्रॉपर्टी का तुम लोग मालिक बनो, और अगर तुम मेरी वसीयत को ना मानो, तो मैं अपना माल, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी का मामूली हिस्सा भी मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, कहीं मैं दे दूंगा।
तो उनके बच्चों ने कहा कि अब्बा क्या बात है, आप कहें तो सही, हम आपकी बात पर अमल करेंगे। तो उसके बाप ने, उस शख्स ने बहुत अजीब और गरीब बात कही। उसने कहा कि बेटा देखो, अब तो मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मुझको कब्र में मत दफनाना, बल्कि मुझको आग में जला दे, आग में जला देना, हर रिकूनी आग में जलाना, और उसके बाद जो राख होगा, जो साली होगा, उसका दो हिस्सा कर देना, और एक हिस्सा नदी में, दरिया में, समंदर में डाल देना, पानी उसको बहाकर ले जाएगा, बरहम कुत्तर उसको बहाकर जहां जाना होगा ले जाएगा, और एक हिस्सा यानी 50% जो साली और राख रहेगा उसको तुम लोग हवा में उड़ा देना। और यह भी कहा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझको सजा दी, अगर अल्लाह ने मुझको अजाब दिया, तो अल्लाह के अजाब और सजा के मानिंद, अल्लाह जो अजाब और सजा मुझको देगा, मेरे मानिंद शायद और किसी को अल्लाह सजा नहीं देगा, इसलिए कि मैंने जिंदगी में कभी भी इबादत की। उसकी औलाद ने, उसके घर के लोगों ने वसीयत के मुताबिक मरने के बाद उसको जलाया और उसके रात को दो हिस्सों में बांटा, जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। बाद में अल्लाह ताला ने समंदर से कहा कि अद्दी माफी, तुम्हारे अंदर जो कुछ है उसको तुम जमा करो, मेरे पास हाजिर करो। जमीन से कहा कि मेरा ये जो बंदा, इसका राग, इसका साली जहां जहां उड़ के गया, तुम सबको मेरे पास लाकर जमा करो। अल्लाह को हर चीज पर कुदरत रखता है। नदी ने, समंदर ने भी उस बंदे का एक एक अंश, एक एक हिस्सा अल्लाह के सामने पेश कर दिया। जमीन ने भी अल्लाह के सामने पेश कर दिया और अल्लाह ताला ने सबको मिलाकर उस आदमी को जिंदा किया, जिंदा किया, और कहा कि ऐ मेरे बंदे, तुमने ये वसीयत क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो मेरे भाइयों, उस अल्लाह के बंदे ने सिर्फ एक बात कही, और वो बात क्या थी कि खशियतों का, मखाफतों का, ऐ अल्लाह मेरे दिल में आपका डर, मेरे दिल में आपका खौफ आया, मैं डरने लगा इस बात से कि अगर आप मुझको सजा देंगे तो मुझसे ज्यादा और कोई सजा का लायक और मुस्तहिक नहीं होगा। इस डर की वजह से मैंने ये वसीयत की थी और मैंने अपने बच्चों से ये काम करने के लिए कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जाओ, तुम्हारे दिल में मेरा खौफ, मेरा डर, मेरा भय पाया गया, इसलिए मैंने उसकी बरकत से तुमको माफ कर दिया और तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। एक आदमी जब अपने गुनाह से मायूस हो जाता है तो उसका गुनाह और पाप बढ़ जाता है। इसलिए किताबों में लिखा है कि ईमान नाम है खौफ और रजा का। खौफ का मतलब अल्लाह से डरना भी है। हम इबादत कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, दान खैरात कर रहे हैं, ऐ अल्लाह पता नहीं मेरी इबादत कबूल होगी या नहीं होगी, ऐ अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी इबादत को बिल्कुल ठुकरा दे और बिल्कुल जमीन पे उसको फेंक दे, आपके यहाँ इसका कोई वैल्यू ना हो। ये डर होना चाहिए और उसके साथ साथ ये उम्मीद भी होनी चाहिए, ऐ अल्लाह मैं जैसे सकता हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ उतना तो कर दिया, मुझे यकीन है कि मेरी इबादत की आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप रहीम हैं, आप गफूर हैं, आप मेहरबानी करने वाले हैं, आप गुनाहों को माफ करने वाले हैं, आप बंदों पर एहसान करने वाले हैं। ऐ अल्लाह ये टूटी फूटी इबादत, जो कुछ मैं कर सकता था, इसको आपके दरबार में पेश करता हूँ, अब आप ही से उम्मीद रखता हूँ कि आप टूटी फूटी इबादत को कबूल कर लीजिए और मेरे लिए जन्नत का फैसला कर लीजिए। ईमान नाम है डर और उम्मीद का। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों पर जो बड़ा बड़ा एहसान किया, एक बड़ा एहसान ये था कि जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, जो मायूस हो गए थे, अल्लाह ने उनको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मायूसी से निकाला। एक बड़े आलिम ने एक मर्तबा बयान फरमाया कि एक नौजवान लड़का, कैसे कैसे लोग गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाता है, एक बिल्कुल नौजवान लड़का कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। अफसोस ये होता है
कि हम और आप कुरान पढ़ते नहीं, मोबाइल में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दुनिया के बहुत सारे प्रोग्राम, अच्छे गंदे सब कुछ देखेंगे, लेकिन 10 मिनट वक्त निकाल कर कुरान की तिलावत नहीं करते। तो वो नौजवान लड़का कुरान की तिलावत कर रहा था, 17 नंबर पारा के पहला जो पेज पिस्टा है, पहला सफा है, उसके अखीर में जाकर लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला काकिलून इस आयत को पढ़ा। पढ़ने के बाद वो तो माने मीनिंग को, मतलब को समझता था, इसका मतलब है कि मैंने तुम लोगों को एक किताब दी और उस किताब के अंदर तुम लोगों का जिक्र है, यानी तुम्हारी हालत को बयान किया गया है। लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम फीहि ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून, ऐ लोगो तुम अपने हालात को क्यों नहीं समझते, तुम क्यों नहीं किताब में कुरान में गौर करते हो, अगर गौर करोगे तो तुमको अपना जिक्र कुरान में मिलेगा। अब वो नौजवान लड़का था, उसके दिल में ये शौक आया कि अच्छा अल्लाह ने मेरा जिक्र कुरान में किया है, देखो कहां पे किया है। एक तरफ से कुरान को पढ़ना शुरू किया, फिर एक तरफ से कुरान को पढ़ना शुरू किया, तो उनको मिला कि कुरान में तो कहीं फिरौन का नाम है, कहीं हारून का नाम है, कहीं और बड़े बड़े पापी लोगों का अल्लाह ने वाकया बयान किया है इबरत के लिए, नसीहत के लिए। पूरा कुरान पढ़ने के बाद कहा, ऐ अल्लाह मेरा तज़किरा और मेरा जिक्र तो ये नहीं हो सकता, मैं पापी जरूर हूं लेकिन फिरौन के तरह जालिम नहीं, मुशरिक नहीं हूं, मैं कारून के तरह मुशरिक नहीं हूं, शद्दाद हमान की तरह इतना बड़ा गलत और गुनाह का काम करने वाला नहीं हूं। ऐ अल्लाह ये सब जो नाम हमने पढ़ा, इनका वाकया, इनकी हिस्ट्री पढ़ा, यकीनन ये हमारी हिस्ट्री और हमारा वाकया नहीं है, हमारा वाकया कहाँ है, हमारी बात कुरान में कहाँ है। फिर दोबारा उन्होंने पढ़ना शुरू किया, दोबारा जब पढ़ना शुरू किया तो कहीं आदम अलैहिस्सलाम का नाम, कहीं नूह अलैहिस्सलाम का, कहीं हूद का, कहीं लूत का, कहीं मूसा का, कहीं ईसा का, इब्राहिम इस्माइल का। कुरान खत्म हो गया, कहे अल्लाह मैं, मुझको यकीन है कि मैं फिरौन जैसा जालिम नहीं हूं, लेकिन मैं आदम मूसा ईसा इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नेक और बुजुर्गी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं, मैं ये भी नहीं, आखिर मेरा जिक्र कुरान में कहां है। फिर जब तीसरी मर्तबा पढ़ना शुरू किया और खूब ध्यान देकर पढ़ना शुरू किया, सूरह तौबा की आयत 11 नंबर पारे में पहुंचा और वहां उनको एक आयत मिली, वआखरूना तरकू बिज़म्मिहिम खलतू अमलन सालिहा वआखर सय्या असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम। जब इस आयत पे पहुंचा तो वो उछलने लगा और कहा, ऐ अल्लाह मेरा जिक्र तो कुरान में मिल गया, आपने तो कुरान की इस आयत में ये कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने गुनाह का इकरार है, यानी जो ये समझता है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैं झूठ बोल लिया, मैंने किसी से बेईमानी कर लिया, मैंने नमाज को कज़ा कर दिया, मैंने किसी पर जुल्म कर दिया, जिसको अपने गुनाहों का इकरार है, वह खलतु अमलन सालिहा, ऐ अल्लाह उससे गुनाह होता है और उस गुनाह के होने के बाद जुमा का दिन आया, नमाज पढ़ने के लिए जुमे में चला जाता है मस्जिद में, रात को तौफीक देते हैं 2 रकात, उनके तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता है, कुछ दान खैरात भी कर देता है, ऐ अल्लाह मेरा हाल भी तो ऐसा ही है, कभी कभी मुझसे गुनाह भी हो जाता है और कभी कभी मैं नेकी का भी काम भी कर लेता हूँ, ऐ अल्लाह यही तो मेरा जिक्र है, वाकईतन ऐ अल्लाह आपने कुरान में मुझको भी याद किया और मेरा भी जिक्र किया और उसके बाद आपने कहा असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हुई, ऐ अल्लाह आप गुनाह को माफ करने वाले हैं, आप तो आगे कह रहे हैं कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करेगा, ऐ अल्लाह मैं भी आपसे तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों का मुझको इकरार है, आइंदा मैं गलत काम नहीं करूंगा, पाप का काम नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैं ये पुख्ता इरादा करता हूँ, आप मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। हदीस में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है एक बंदे ने गुनाह किया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, परसों मैंने पढ़ाया, एक बंदे ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद कहा, ऐ रब्बी एक बिल्दी दम्बी, ऐ रब मेरे गुनाह को बख्श दीजिए, अल्लाह कहता है मैं नहीं, आप नहीं, नबी नहीं, बल्कि खुद अल्लाह कहता है, अरे
मेरे बंदे को ये मालूम है कि कोई उसका रब है, उसके गुनाह को माफ करने वाला है। मेरा बंदा ये जानता है कि गुनाह करोगे, तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे पकड़ करेगा। जब मेरे बंदे को इतना इल्म है और वो अपने गुनाहों से तौबा मांग रहा है, तो मैं हदीस के अंदर आया, अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा बंदा ऐसा बंदा जब तौबा करने के लिए एक बालिश का आता है, शिब्र का लफ्ज, एक बालिश का अगर आगे आता है तो मैं एक हाथ उसके आगे आता हूं, उसकी तरफ आता हूं। अगर वो एक हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं दो हाथ चलकर उसकी तरफ आता हूं। फिर फरमाया कि अगर वो पैदल चल के आता है आहिस्ता आहिस्ता, अतैतुहु हरवलतन, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं और अपने रहमत के सीने से लगाकर और उसके सारे गुनाह को माफ कर देता हूं। ऐ मेरे भाइयों, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इंसान मायूस हो गया था, पता नहीं मुझसे पाप हो गया, मेरे गुनाह का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। तौबा कीजिए, बार बार तौबा कीजिए, रोजाना इस्तिगफार पढ़ते रहिए और जानबूझकर गुनाह ना कीजिए। गुनाह अगर हो गया, तौबा करके आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा कीजिए। अगर फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा कीजिए। इंशाअल्लाह बार बार तौबा करेंगे, अल्लाह हर बार हमारी और आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए, और अगर गुनाह हो जाए, अल्लाह हम सबको तौबा की, सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दे।